ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम योग लगाने वाले हैं या योगी जीवन वाले हैं? जीवन वाले हैं ना? और बाबा ने लास्ट मुरली में ही कहा कि जीवन अर्थात सदा। ऐसे नहीं कि एक साल, मान लीजिए आपका सरनेम सिंह है तो एक साल के बाद वो सिंह बदल जाता है क्या? मान लीजिए आप शर्मा हैं, एक साल के बाद आप वर्मा तो नहीं हो जाते ना, कि भाई मैं पिछले साल शर्मा जी था, इस साल मैं वर्मा जी हो गया हूँ, या पिछले साल मैं सिंह था, इस साल मैं कश्यप हो गया हूँ। अब ऐसा तो नहीं होता ना। जहाँ हमने जन्म लिया वही हमारी पहचान हो जाती है, राइट? तो यदि मैं योगी जीवन वाला हूँ तो योग मेरे जीवन में हो, तब कहेंगे योगी जीवन। हम योग लगाने वाले नहीं है कि मैं योग करने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं योग मुक्त हूँ, अब मैं बाबा के कमरे में जा रहा हूँ योग लगाने के लिए, ये नहीं। अब वक्त की ये मांग है कि हम योगी जीवन वाले हो जाएं, कर्म योगी बन जाएं, निरंतर योगी बन जाएं, क्योंकि जो योगी जीवन वाले होंगे वही सेफ रहेंगे। बाबा ने कहा है अंत काल में जब चारों ओर विनाश का हाहाकार होगा, जो योग युक्त होंगे उनके कदम उधर ही बढ़ेंगे जिधर सेफ्टी होगी, और जो योग युक्त नहीं होंगे उनके कदम कहीं भी जा सकते हैं। जो योग युक्त होंगे उनका जिम्मेवार बाबा होगा, और जो योग युक्त नहीं होंगे वो अपने जिम्मेवार स्वयं होंगे। तो उसकी प्रैक्टिस कब से करनी होगी? अभी से करनी होगी।